मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में मनरेगा से वर्मी टांका बनाने तथा धान खरीदी केंद्रों में चबूतरे और शेड बनाने का प्राथमिकता देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सीएम हाउस में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक, मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ली बैठक, अफसरों से ली गारंटी योजना के कामों की रिपोर्ट, 706 नए ग्राम पंचायत भवन और 672 आंगनबाड़ी केंद्रों को मंजूरी, राज्य के हर धान संग्रहण केंद्र में एक एक शेड बने, छत्तीसगढ़ में 4649 चबूतरे बनाने की मंजूरी मिली, गौठानों में मनरेगा से वर्मी टांका बनाने को प्राथमिकता। इस साल मनरेगा से 5500 गौठान बनाने को सीएम ने कहा। मनरेगा के तहत नर्सरी, कुआं और डबरी के काम को हो सर्वे, कामों से लोगों को मिलने वाले लाभ के बारे में भी सर्वे को कहा। नहर लाइनिंग का कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हो, किसानों को सिंचाई सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलने की संभावना, सतही जल का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाए जागरूक, खेतों में डबरी और कूपे बनाए जाएंगे ताकि पानी की रिचार्जिंग हो सके, ऐसे नाले जिनका एक हिस्सा वन क्षेत्र से गुजरता है उसका डीपीआर वन विभाग करे तैयार, वन अधिकार पट्टे वालों को जमीन पर फलदार वृक्ष लगाने, बड़े वृक्षों के बीच हल्दी, अदरक, तीखूर जैसी फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, मनरेगा से भूमि विकास और जमीन को घेरने के कार्य कराए जाएंगे, कृषि विभाग से जमीन पर ट्यूबवेल खनन कराकर क्रेडा से सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। रायगढ़ कलेक्टर